बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बॉटनी ए बी एस केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे न्यू टाइप दैट इज़ द फाइलेक्टिनिया। सबसे पहले है जी इसकी क्लासिफिकेशन, किंगडम फंजाई है, फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास लिटियोमाइसिटीज, सब क्लास है लिटियोमाइसिटीडी, और ऑर्डर है इस्क्रीफिसेल्स, और फैमिली है इस्क्रीफ्रेसी, और जीनस है फाइलेक्टिनिया। अक्रेंस है इसकी, तो देर आर नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ जीनस फाइलेक्टिनिया, बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की इसकी स्पीशीज़ हैं। फाइलेक्टिनिया डेलबर्जिनिया इज़ अ कॉमनेस्ट स्पीशीज़ फाउंड ग्रोइंग ऑन द लीफ ऑफ द डेलबर्जिया सीसू, जिसको हम शीशम भी कहते हैं, और द स्पेसिमेंस कैन बी कलेक्टेड इन अबंडेंस ड्यूरिंग द विंटर ऑन द फॉलन लीव्स ऑफ शीशम। जब इसके पत्ते जो हैं वो झड़ते हैं ड्यूरिंग विंटर, तो तब ये बहुत ज़्यादा जो है वो स्पीशीज़ कलेक्ट की जाती है। दिस फंगस इज़ एन ऑब्लिगेट पैरासाइट, और ये अंदर दूसरी जानदार जो हैं और जितने भी प्लांट्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है ये रहती है। ऑब्लिगेट मतलब इंट्रा सेलुलर। नाउ फैलेक्टिनिया ग्यूटेशिया इज़ अ स्पीशीज ऑफ फंगस इन एसिफिरिसी। गर्ल्स, ये आपने मुश्किल से नाम है और खुद स्पेल के साथ याद करने हैं। फैमिली, इट इज़ अ प्लांट पैथोजन, ये एक ऐसा प्लांट पैथोजन है जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट रीजन्स, और ये ज़्यादा टेम्परेट रीजन्स मतलब ये जो बर्फबारी वाले इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, उनकी तरफ ये पाया जाता है। फाइलेसेंटिनिया ग्यूटेशिया कॉजिज़ अ पाउडरी मिल्ड्यू, जिस तरह डबल रोटी के ऊपर पाउडर सी फॉर्म बन जाती है जो फंगस लग जाती है, बिल्कुल सेम ये वैसा ही होता है, और ये पत्तों के ऊपर लगता है और स्टेम्स के ऊपर लगता है ऑन अ ब्रॉड रेंज ऑफ द होस्ट प्लांट। नाउ इसका स्ट्रक्चर कैसा है? इट्स माइसीलियम ग्रोज ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स फॉर्मिंग अ वाइटिश कवरिंग। अब ये जो प्लांट बॉडी है फंजाई की, ये पत्तों के ऊपर एक वाइटिश सी कवरिंग बना देती है। द हाइफाई सेंड देयर शॉर्ट ब्रांचेज और हिस्टोरिया थ्रू स्टोमेटा ऑफ द होस्ट इन द एपिडर्मल और अदर मेसोफिल सेल। अभी हमने बात की है कि ये दूसरों सेल के अंदर जो है ये रहता है, तो ये क्या करता है, ये हाइफाई जो है ये शॉर्ट ब्रांचेज के जरिए हिस्टोरिया, जिनको कहा जाता है, स्टोमेटा के अंदर घुस जाता है। किसके अंदर? होस्ट के एपिडर्मल टिश्यूज के अंदर और अदर मेसोफिल सेल्स के अंदर। हिस्टोरिया जो है दे आर यूज्ड टू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टोरिया, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, इट इज यूज्ड टू एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द होस्ट टिश्यू। सो वहां पे जाके वो दूसरे पौधे की जो है वो खुराक एब्जॉर्ब करता है। द हाइफाई आर हायलाइन, तो इनके हाइफाई जो है वो हायलाइन होते हैं। मच ब्रांच और सेप्टेट, बहुत ज़्यादा ब्रांचेज होती हैं, सेप्टेट पार्टीशन बनी होती है। दीज फॉर्म अ वाइटिश मैट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, और ये एक वाइट सी लेयर बना देते हैं लीव्स की सर्फेस पे। नेक्स्ट है इसकी रिप्रोडक्शन, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। फंगस रिप्रोड्यूस ए सेक्चुअली बाय प्रोड्यूसिंग यूनिसेलुलर हायलाइन कोनिडिया, तो ये ए सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। वॉल ऑफ कोनिडिया जो है वो दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, आउटर लेयर जो है वो स्मूथ होती है और थिन होती है, और इनर लेयर जो है वो ज़रा कंपेरेटिवली थिक होती है। दे आर नेटेड मार्किंग ऑन इट सर्फेस, और इसकी सर्फेस पे जो है वो नेट की तरह जो है वो स्ट्रक्चर सा बना होता है। द कोनिडिया आर फॉर्म्ड एट द टिप्स ऑफ द शॉर्ट और लॉन्ग कोनिडियोफोर्स। कोनिडिया कोनिडियोफोर्स की जो है वो टिप्स पे लगते हैं। दे कम आउट ऑफ द होस्ट स्टोमेटा, और बाद में स्टोमेटा के से बाहर आ जाते हैं। कोनिडिया इलोंगेटेड बड़े बड़े होते हैं, स्लाइटली स्पिंडल शेप होते हैं, एंड विद ब्लंट एंड्स, और इनके सिरे जो है वो बिल्कुल बंद होते हैं। कोनिडियम जो है वो डिटैच एंड फॉल, वो से अलग हो जाता है और गिर जाता है। सब टर्मिनल सेल जो है इसके कोनिडियोफोर्स के, वो अगेन एंड अगेन डिवाइड कर देते हैं डॉटर सेल में। अपर सेल इनके कोनिडियम बनाते हैं। कोनिडिया जो है वो इट फॉर्म सिंगली एंड नो कोनिडिया चेन इज फॉर्म, सिर्फ एक ही कोनिडिया बनता है, कोई चेन्स वगैरह नहीं बनती। कोनिडिया आर प्रोड्यूस इन अबंडेंस, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं। देयर फॉर द लीव स्ट्रक्चर अपेयर्स टू बी कवर्ड विद अ वाइट पाउडरी मैस, और इस तरह पत्ता जो है वो ऐसे लगता है जिस तरह कोई वाइट कलर का पाउडर उससे वो घिरा हुआ होता है। देयर फॉर दिस डिजीज इज नोन एज द नेम पाउडरी मिल्ड्यू, इसीलिए इस डिजीज का नाम हम पाउडरी मिल्ड्यू कहेंगे। कोनिडिया वो जम ट्यूब बनाएगा जर्मिनेशन के बाद, एंड दिस जम ट्यूब इंजेक्ट्स इनफेक्ट्स न्यू लीव्स ऑफ द होस्ट, और ये दूसरे पत्तों को भी नुकसान पहुंचाती है बीमारी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कल हम इसका टाइप करेंगे और हमारा ये टाइप क्लियर हो जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।